नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार पांडे शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ, चित्रकूट। बताइए। मानिकपुर से आपका वीडियो देखता रहता हूँ हमेशा। उसी में मैंने देखा, मैंने कहा आज आपका नंबर मुझे भी मिला, तो मैंने कहा सर बात करें आज। बताइए सर, यही जानकारी लेना था कि क्या शिक्षा मित्रों का सर कोई भविष्य है आगे? गवर्नमेंट ना शिक्षा मित्र का भविष्य बनाने के लिए है, ना सहायक अध्यापक का, ना निदेशक का, ना किसी का। वो स्कूल जी, चला जी, रही जी। है तो स्कूल का भविष्य बनाएगी ना। अब उसके लिए जिसकी आवश्यकता होगी उसको रखेगी। जी जी, आप लोग रखे गए हैं सन 2000 के आसपास से, 22 साल हो सन गया। 2000 की नियुक्ति है सर, तो 2001 अगस्त की। तो उस वक्त गांव गांव जाकर के एक एक व्यक्ति को पकड़ कर, ऐसा तो नहीं था कि उनका कल्याण करने के लिए उनको लाया गया था, स्कूल के लिए लाया गया था ना? जी जी सर। तो आप लोग पहले जो है सिर्फ देखने का नजरिया चेंज कीजिए ना, कि स्कूल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए क्या प्लानिंग है। तब तो जब स्कूल के लिए प्लानिंग होगा तब तो आपके लिए व्यवस्था होगा। मान लीजिए, सपोज दैट, कल्पना कीजिए जी, कल गवर्नमेंट घोषणा कर दे कि सारे सरकारी स्कूल बंद, तो आप बताइए सहायक अध्यापक का या शिक्षा मित्र का या निदेशक किसका जो है कल्याण हो जाएगा? जी जी जी, सब कुछ जुड़ा कहाँ से है? स्कूल से ना। तो स्कूल के लिए देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो स्कूल में आप बताइए पिछले कुछ सालों में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन तो सर बहुत हुआ इतने दिनों में। तो जो आरटी एक्ट है 2009 में आया था, उसके तहत बहुत सारी चीजें करनी थी लेकिन वो नहीं हो रही थी। जी जी। तो इसी वजह से फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जब आप लोग का जजमेंट आया, उसी समय दो जजमेंट आए थे जी। तो उस जजमेंट को आप जब पढ़ेंगे तो कोर्ट ने कहा था कि जो विवाद हो रहे हैं, जो इस तरह की चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं और जिसके कारण मैटर कोर्ट आ रहा है, जी तो कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नई नीति तैयार करे। उसी के तहत 2017 में ऑर्डर आया, 2019 में एक मसौदा तैयार किया गया और फिर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ। अब उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ लिखा है स्कूलों के लिए, अक्रमता गवर्नमेंट वो चीजें करते हुए आगे बढ़ रही है। जी जी। तो स्कूलों के लिए बिल्डिंग बनाना, वहाँ बिजली पानी की सुविधा, कमरों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब गवर्नमेंट करे, ये एक बार का खर्च है जी। ऐसा तो नहीं ना कि हर साल जो है उसमें टाइल्स लगेगा, हर साल जो है दीवार खड़े करने होंगे, ऐसा तो है नहीं? हाँ, नहीं तो ऐसा तो नहीं है सर। तो गवर्नमेंट पहले उन चीजों पर खर्च कर रही थी जो एक बार खर्च करना है। अब उनको वो सारी चीजें वो कंप्लीट कर चुकी है। पिछले साल केंद्र सरकार की योजना थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा। आपके यहाँ अभी कितने कमरे हैं? कमरे तो सर हमारे यहाँ पर्याप्त हैं, 10 कमरे। तो जहाँ पर कमरे नहीं थे तो वहाँ पर जो है पहले कमरे की व्यवस्था करना, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पहले बच्चे जमीन में बैठ रहे थे। अभी आपके यहाँ फर्नीचर मिला कि नहीं मिला? फर्नीचर मिल गया है सर। हाँ, तो आप जानते हैं कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा जो है प्राइमरी विद्यालय है और करीब 2 लाख के आसपास जो है आंगनवाड़ी है, और जी, सब पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, सब में व्यवस्था बना रही है। तो जो फर्नीचर दिए गए तो एक साथ संभव नहीं था, उसके लिए उन्होंने 25-25 हजार स्कूलों का बनाया कि एक साल में 25 हजार। और सर जैसे हमारी ग्राम पंचायत में केवल हमारे यहाँ भराया है मात्र, कितना ये जो है 8 विद्यालय हैं, 8 में से 1 के लिए आया है, मतलब यही विद्यालय के लिए जिस पे हूँ मैं। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया कि हर जिले में किन किन स्कूलों को पहले, किन को बाद में, उन्होंने कई चरण बनाए हैं। अब जैसे 1.5 लाख विद्यालय है, अगर 25 हजार विद्यालय को एक बार में देना है तो 1.5 लाख को देने के लिए 6 वर्ष लगेंगे जी। 1.5 लाख से ज्यादा ही विद्यालय हैं तो 6 वर्ष जब लगेंगे, तो जब उन्होंने फर्नीचर देना शुरू किया हर वर्ष, तो पहले वर्ष 25 हजार को मिला, फिर उसके अगले वर्ष 25 हजार, ऐसे करके आपके जैसे विद्यालय को मिला है जो बाकी 7 है उनको भी मिलेगा बाद में जी। जी, तो फर्नीचर पर भी काम कर रहे हैं। टाइल्स वगैरह लगा कि नहीं? टाइल्स लग चुका है, लग चुका। अभी जो 30 सितंबर आने वाला है जी, 30 सितंबर तक 700 करोड़ रुपए ये जो है ना, वो आपके महानिदेशक जी किरण आनंद है ना इस वक्त जी, जी, हाँ, जी, हाँ। उनको 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं विद्यालयों में टाइल्स लगवाने के लिए जी। और वो काम 30 सितंबर तक पूरा करना है। तो केंद्र की एक योजना थी कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, वो भी हो रहा है। उसके बाद यूपी सरकार जो है उन कमरों में टाइल्स लगवा रही है 700 करोड़ रुपए खर्च करके जी। तो अभी मूलभूत सुविधाओं में जो है परिवर्तन किया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही थी।
अब जो है केंद्र सरकार जब ये सब करा ली, पहले कमरे ही नहीं थे तो टीचर रख के क्या करते, गैस पे हाँ काम चल बात तो रहा था। सही। अरे हम सर जब शुरू में थे तो अकेले एक एक टीचर में तो चलता था मात्र। अच्छा हाँ सन 2005 से लेकर के सर 9 8 9 तक हम लोग अकेले अकेले काम किए हैं पूरे में। तो अब उस वक्त जो कंडीशन थी कि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की योजना बनाई गई, अब स्कूल तो खुल गए लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि जो है तत्काल जो है टीचर की जो है भर्ती कर सके परमानेंट, तो उन्होंने योजना चलाया शिक्षा मित्र योजना, उससे भी पूर्ति नहीं हो रही थी और बीटीसी बंद था, तो उन्होंने बीएड वालों को विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग दे करके रखना शुरू किया, तो योजनाएं आगे बढ़ी, भर्तियां होती रहीं, लोग रिटायर होते रहे लेकिन कभी भी भर्ती पूरी हुई नहीं। नहीं हुई। अब जो है केंद्र सरकार इस पर फोकस की है, तो केंद्र सरकार ने पहले रखा था कि कमरे तैयार कर लें, तो उन्होंने कमरों के लिए पैसा दिया और यूपी गवर्नमेंट ने 2,86,000 कमरों का रिक्वायरमेंट बताया था, वो 2,86,000 कमरे बन रहे थे, 2,80,000 जो है पिछले साल बनाए गए, मार्च के महीने में मीटिंग हुआ वो भी हमने ग्रुप में डाला था, 6,000 कमरे बाकी थे, उसके लिए भी 4-4 लाख रुपए तुरंत पास हुए, तो वो कमरे भी जहाँ कहीं बाकी थे वो बन रहे हैं, टाइल्स जहाँ लगना बाकी था 700 करोड़ रुपये उसके लिए जारी हुआ वो भी हो रहा है। अभी जो है हेड को और सहायक अध्यापक को टैबलेट दिया जाना है, हाँ वो तो सब पढ़े हैं। तो अब जानते हैं एक टैबलेट खरीदने हम लोग जाते हैं तो गए गुजरे में सस्ता वाला भी खरीदेंगे तो 10,000 रुपये खर्च होता है, हाँ सही बात है सर। और हर हमारे विद्यालय बगल में में दो सर ये देना। यूपी हमारे बगल में एमपी है तो वहाँ सर दिए 10 10 हज़ार हैं, लेकिन अच्छा उनसे ये कहा गया है कि आप अपने स्तर से खरीदिए क्योंकि इसको आपके पास रहना। हाँ तो कुछ लोग जैसे कोई 12 का खरीदा, कोई 14 का खरीदा। मतलब गवर्नमेंट ने एक 10,000 एक हाँ मुफ्त दे दिया, हाँ 10 हज़ार दे दिए। अब अपने हिसाब से जिसको जैसा समझ आ रहा, कोई 12,000, कोई अपने पास हाँ थोड़ा बजट 14 हज़ार ज्यादा है इसी तो इसी 14,000 तरह जो मुझे है। अच्छा। हाँ इसी तरह लोग खरीदे भी हैं, यहाँ हो चुका ना। अच्छा, आपने क्या बताया कहाँ से हैं? ये सर ये बॉर्डर पड़ता है हमारा, मतलब यूपी का एमपी का बॉर्डर लगा हुआ है। आप झांसी के आसपास के हैं क्या, नहीं नहीं बांदा? सर हम यही है चित्रकूट जनपद। अच्छा चित्रकूट के हैं। हाँ ये जो है सतना के पहले पड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ जान रहे हैं, इलाहाबाद के आगे इधर हाँ से। सतना से जो है, कौशाम्बी सतना ये, सतना ये चित्रकूट जिला कहलाता है, इसके जस्ट 1.5 किलोमीटर में एमपी, सतना जिला है। हाँ एमपी शुरू हो जाता है सतना, सतना हाँ कटनी जबलपुर वही हाँ हाँ बस वो आगे यही सर, चला। 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है हमारे विद्यालय से एमपी। अच्छा, तो एमपी में भी यही गवर्नमेंट है, हाँ यही गवर्नमेंट है। चूंकि है क्या ना कि देखिए आपकी इच्छा है कि हम परमानेंट हो जाएं, हमारी इच्छा है हम नौकरी पा जाएं, हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा रख रहा है, तो वो चाहता है ये काम जल्दी हो जाए, जी। तो अब हमारे आपके चाहने से गवर्नमेंट काम करेगी नहीं, जो हाँ नहीं 140 करोड़ नहीं लोग करेगी। हैं सही बात वो सही अपनी बात। व्यवस्था बनाते हैं उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी जैसा मैटर था नहीं, वहाँ पर कोई जी इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट हाँ कोर्ट कोई का ऑर्डर ऐसा था नहीं था नहीं, सर। सही तो सही वहाँ बात। पर देखिए यही गवर्नमेंट है बीजेपी की ही, उन्होंने वहाँ पर जो भी टेट पास शिक्षा मित्र होते गए हैं उनको परमानेंट किया है, किया है सर कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र समझना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे शिक्षा मित्र फोन करते हैं गाली गलौज तक कर लेते हैं हाँ सही बात। अरे जबकि फालतू की बातें करते हैं बहुत, मैं आपके भी उसमें सुनता हूँ ना जब अभी तो कल की कुछ बात लोग। बता रहे हैं, कल सुबह जो है फोन मेरा ऑन हुआ, लगातार 3 कॉल आए और बिना मतलब की बातें कर रहे थे, भाई हमको नौकरी ना देना है ना हम किसी की नौकरी छीन रहे हैं, सही बात है। एक जानकारी आए अपन को मिलती है क्या हम बातें कर रहे हैं होने जा चर्चा रहा है कर क्या रहे हैं। होगा। तो चर्चा के माध्यम से हो सकता है कुछ जानकारी आपके पास हो वो हमें मिले, हो सकता है हाँ हमारे सर पास कुछ नई जानकारी हो आपको मिल जाए, बस यही हो सकता है, इसके हाँ ज्यादा सही कुछ बात। नहीं। खैर तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं बुरे भी हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई परेशान, वो भी जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कोई कारण है वो परेशान है, हाँ परेशान है सही अब बात। परेशान व्यक्ति को अच्छी बात भी बताइए ना तो उसको खराब लगता खराब लगता है। है, तो खैर हम भी जो है थोड़ा सा जब उस तरह के लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको भी समझाया जाए, लेकिन अब कोई समझता है कोई नहीं समझता है। खैर सही बात है सर। तो गवर्नमेंट पिछले वर्ष जो योजना चलाई थी कमरा वाला, वो हाँ 30 सितंबर तक का उसका समय रखा गया, लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी योजना कब तक के लिए है, जब एक योजना पूरी हो जाएगी तो उससे जुड़ी हुई दूसरी योजना उसके बाद ही तो स्टार्ट होगी, बाद हाँ बाद में होगी। तो जब 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि टाइल्स वाइल्स लग जाए, कमरे जहाँ कहीं बाकी रहेगा बन जाए, तो जो हर कक्षा में शिक्षा योजना केंद्र की आने वाली है जो 30:1 अनुपात हर कक्षा में लागू करना है, बार बार जो है ये संदीप जी जो भी हम लोग के शिक्षा मंत्री हैं वो बोलते रहते हैं अनुपात बराबर है, वो पुराने अनुपात की बात करते हैं,
हाँ वो पुराने क्या करते हैं सर, नया नहीं। पूरा पूरा पुराना अनुपात ये कहता है कि पूरे प्रदेश में कितने बच्चे, पूरे प्रदेश में कितने टीचर, चाहे वो प्रमाणिक हाँ हो सर या जी संविदा वाले, तो उसके अनुसार तो अनुपात बराबर है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ सही बात है, वो तो सही लेकिन कह रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो नया अनुपात लेकर के आ रही है कि हर कक्षा में इसको लागू करना है, तो जब वो लागू होगा, जब उसकी घोषणा होगी, तो उसके बाद ही तो ये सारी चीजें शुरू होंगी। और 30 सितंबर तक का जब डेडलाइन दिया गया है सबको, तो 30 सितंबर को अभी आया भी नहीं है, अभी कहाँ आया है, तो आया नहीं। उससे पहले उम्मीद कर लेना, पता नहीं हाँ क्यों लोग जल्दी में रहते हैं। खैर, तो ये 30 सितंबर अभी आने जा रहा है, अभी तो अगस्त चल रहा है, अगस्त का अंतिम जी है, फिर सितंबर आएगा, 30 सितंबर, जी तो धीरे धीरे सारी चीजें सामने आने लगेंगी। उधर जी जी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से बीएड वाले, उसको लेकर हाँ हाहाकार मचा हाँ हुआ वो है। भी हंगामा मचा है, उसमें भी देखा हूँ। अब बताइए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एनसीटीई के लिए, नियम बनाना हाँ एनसीटीई को है, एनसीटी का काम है। जो भी हाँ काम करना है केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार को, सही बात। उस ऑर्डर के आने के बाद एनसीटीई ने कुछ कहा नहीं, एमएचआरडी ने कुछ कहा नहीं, केंद्रीय हाँ विद्यालय का रिजल्ट रुका हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के जो है कमिश्नर वगैरह वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ लेकिन जी जी बिना मतलब का जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहाँ कोई आपस में नोकझोंक कर रहा है, दूसरे को बुरा भला कह रहा है, कोई खुशी हाँ मना रहा है, यहाँ बिना मतलब चीजें चल रही हैं। अरे ये सब कमेंट देखिए ना, इधर शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं कि हम बीटीसी वालों के साथ हैं, बीएड बाहर हो। बीटीसी वाले कह रहे हैं कि हम जो है शिक्षा मित्रों के साथ हैं, बीएड बाहर हो। अब देखिए, यहाँ मैटर क्या है हाँ कि शिक्षा में समायोजन हुआ था, जी अब कोर्ट लेकर के मुद्दा गए बीएड वाले, तो जी ठीक है बीएड वाले लेकर के गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, कमी तो तो सर तभी पूरी तो थी, उसमें देखने की क्या बात है, कमी तो थी ही। रद्द तो कोर्ट ने किया ना। और क्या, अब जैसे बीएड का गजट जारी हुआ था 2018 में, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, रद्द किया है कहीं बिल्कुल। ना कहीं उसमें कुछ कमी पाया, तभी तो रद्द किया। हाँ तभी तो रद्द हुई जी। सारा चीज तो कर रही है कोर्ट, लेकिन यहाँ क्या है कि शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ तो बीएड वाले खुशी मना रहे हैं। अरे हाँ मना रहे हैं, सही भैया, बात। कोई चीज रद्द हुआ है तो किसी को तकलीफ हुई है, ठीक है, हाँ आप किसी को खुशी हुई है। किसी को तकलीफ, किसी को खुशी हुई, लेकिन आप नियम पर बात कीजिए, पॉइंट पर बात कीजिए कि क्या सही था क्या गलत था, वो चर्चा कर रहे हैं तो फैक्ट पर चर्चा कीजिए। जी एक दूसरे को कटाक्ष करना, उल्टा सीधा बोलना, उससे कुछ मतलब नहीं। अभी जैसे बीएड का रद्द हुआ, तो अभी जो है बीएड वाले परेशान हैं, तो अन्य लोग जो है खुशी मना रहे हैं, बीटीसी वाले हैं, शिक्षा में संगठन में है, ठीक है भाई, अभी आपको मौका मिला है, आप खुशी मना रहे हैं, तो सर लेकिन क्या जैसे एनसीटीई इसको रद्द कर दी है, तो क्या इनकी नियुक्तियां भी रद्द होंगी? देखिए, आप पढ़ाते हैं, आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, आपने होमवर्क दिया या क्लास में कोई सवाल दिया करने को, बच्चा करके आया और आपने पाया कि इसने गलत किया है, तो जी। क्या आप बच्चे का नाम काट देते हैं, स्कूल से भगा कुछ देते हैं? नहीं उसका मतलब, हम उसमें सुधारे करेंगे कि भाई आगे बढ़े, सुधारा जाएगा तो उसको। बच्चे को कहेंगे ना कि नहीं तुमने गलती किया है, इसको सुधार। हाँ सुधारो। हाँ तो कोर्ट ऑर्डर में आप पढ़ेंगे पूरा कोर्ट ऑर्डर, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर करना है, बीएड को हाँ ये तो शामिल नहीं नहीं है सर, करना है, इस ये तरह कहीं की, नहीं। हाँ इस तरह की बात नहीं लिखी गई कि बीएड को शामिल नहीं करना है, या आप नया गजट नहीं जारी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जी उसमें सारे वकीलों ने जो जो कहा है वो बात लिखी है, फिर अंतिम में कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि इन तथ्यों के आधार पर ये जो गजट जारी हुआ है ये पूर्णतः संयम का पालन नहीं करता है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं, जी बस इतनी सी बात उन्होंने लिखा, जी और वो जजमेंट है एनसीटीई के लिए। हाँ एनसीटीई ने अभी तक राज्यों को या संस्थानों को कोई ऑर्डर दिया नहीं कि क्या करना है क्या जी नहीं, हाँ वो तो है। वो बिल्कुल शांत बैठी है, सभी संस्थान अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी सीटेट का एग्जाम हुआ, जी सीबीएसई ने किसी को नहीं रोका, नहीं रोका, सही बात। क्यों, जब एनसीटी हमें अभी ऑर्डर ही नहीं दी है कि कुछ करने को, तो हम क्यों अपने काम में जो है कमी हाँ करें, और क्या, पीछे जब अभी कोई आर्डर शासन का तो आया नहीं। हाँ बस सही बस बात। एनसीटी ने उस ऑर्डर को अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, तो वो तो उनका काम ही है। खैर, और तो क्या अब जो है वो जी केंद्र सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, आप जानते हैं जितने भी नियम कानून बनाने हैं, चाहे जितने भी कठिन समस्या हो, वो केंद्र सरकार को जी अगर हल करना है तो वो कर डालेगी। जी इतना बड़ा मुद्दा था 370 का, लोग कह रहे थे उसको हाथ लगाएंगे तो पूरा देश जल हाँ जाएगा, सही बात है। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब 370 हट भी गया, एक सिंगल गोली भी नहीं चलानी जी पड़ी, हाँ कहीं कहीं जो है कुछ भी नहीं हुआ, बड़े आराम से सब कुछ हो गया।
हाँ निपट गया सब कुछ। तो गवर्नमेंट जो चीज़ चाहेगी करना कर लेगी। अभी हाल ही में दिल्ली का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, जी जजमेंट आने के 4 ही दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको पलट दिया। जी तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि केंद्र सरकार जो चाहेगी वो नियम कानून बना सकती है। बना सकती है, अब जब बात हम सही ये बात। कहते हैं तो शिक्षा मित्र आ जाते हैं कि भैया जब अध्यादेश गवर्नमेंट बना सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो यहाँ वो भूल जाते हैं कि जब संविधान रद्द हुआ तो उसमें 21 पॉइंट है। जी 21 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी कहता है कि समानता का अधिकार का हनन हुआ है, यानी कि जो जी पद खाली थे उन पर आवेदन जी सबसे लेना चाहिए था। हाँ, जो ये भी आपके सही है। कर्मचारी थे आप उनको उम्र में छूट दे देते, वेटेज दे देते, और भी छूट दे देते, लेकिन जी मौका तो सबको देना चाहिए था, आपने मौका सबको सबको नहीं फार्म दिया। सबके भराने चाहिए थे, ये तो खैर नियम विरुद्ध था। तो 21 पॉइंट में ये भी पॉइंट है। तो जब अध्यादेश लाएंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर से वही जो है जी उसका हनन होगा समानता के अधिकार का। जी और अध्यादेश अगर कोई लाने की बात बीएड वाले कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको डायरेक्ट नौकरी पर रख लो, वो जी ये कह रहे हैं कि हमको भी आप प्राइमरी में मौका दीजिए, हमको भी एलिजिबल करने के लिए अध्यादेश लाइए, जी यानी नियम बनाने की बात कर रहे हैं। तो लोग जो है बिना समझे बिना चीजों को जाने ही कुछ भी, बस अध्यादेश की बात हो रही है तो हमारे लिए भी लाना चाहिए था। हाँ वो सही बात। तो गवर्नमेंट तो सबका ख्याल रखे, गवर्नमेंट के लिए शिक्षा मित्र हैं, बीएड बीटीसी हाँ बीएलएड सही ये अलग बात। नहीं है, ये आम जनता है हर कोई। हाँ और गवर्नमेंट का काम होता है आम जनता के लिए काम करना। हाँ तो गवर्नमेंट जब स्कूलों की व्यवस्था बना रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा समाप्त करना है, परमानेंट नियुक्तियां जी करनी है, तो परमानेंट जी नियुक्ति करने जब चलेंगे तो प्राइमरी में ही 6 लाख 8 लाख पद खाली हैं। जी जो नया अभी हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होगी, एक विद्यालय में 5 शिक्षक होंगे, 1,57,000 के आसपास विद्यालय हैं, तो करीब सात जी आठ लाख तो विद्यालय 7-8 लाख पद तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद 30-1 का अनुपात हर कक्षा में, तो लाख दो जी लाख पद बढ़ ही जाएंगे जब सेक्शन बढ़ ही बनेगा। जाएंगे और क्या। तो 8-10 लाख पद हैं और वर्तमान में 4 लाख के आसपास कार्यरत शिक्षक हैं प्राइमरी जूनियर मिलाकर। प्राइमरी की जी सिर्फ बात करें तो प्राइमरी में परमानेंट टीचर और शिक्षा मित्र मिला करके करीब करीब 3 लाख के आसपास हैं, 3-3.25 लाख। जी और शिक्षा मित्र को अगर इस संख्या से हटा दिया जाए तो 2 लाख से भी कम परमानेंट टीचर हैं, क्योंकि तो शिक्षा मित्र जी को तो वो परमानेंट मान वो है नहीं, संविदा पर असंविदा खत्म हाँ करना है। तो 2 लाख जी से भी कम शिक्षक हैं कार्यरत, तो जी पद तो 6 लाख 8 लाख हैं। और जब 6 लाख 8 लाख भरने की बारी आएगी तो इतने तो टेट पास कैंडिडेट नहीं है, भले अखबार छाप दे कि 24 लाख टेट पास हैं, उसमें प्राइमरी भी है जूनियर भी है, जी उसमें वो हाँ लोग भी हैं जो चार चार छः छः सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं। जी ऐसे भी लोग हैं जो कि दूरस्थ बीटीसी भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, या दूरस्थ बीटीसी भी जी किए हैं, बीटीसी भी किए हैं। ऐसे जी भी हैं जो बीटीसी भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, कई कई डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। तो वो दो दो टीचर तो बनेंगे नहीं, दो पद तो हाँ नहीं हाँ वो पद बनेंगे तो ही। एक ही माना जाएगा। हाँ और जो 6 सर्टिफिकेट 8 सर्टिफिकेट लेकर टेट का बैठा है तो 6 सर्टिफिकेट 8 सर्टिफिकेट लेने से उसको दो चार पद तो नहीं मिल जाएगा, मिलेगा एक ही पद। एक ही पद मिलेगा तो टेट पास कैंडिडेट उतने हैं नहीं जितनी संख्या में गवर्नमेंट को जी। जरूरत है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सेक्टर भी देखना है, प्राइवेट स्कूलों को भी देखना है, प्राइवेट सेक्टर भी। जी तो अब जो है लगभग रेशियो ठीक ठाक हो गया है टेट पास कैंडिडेट का, कि जी गवर्नमेंट जब पद भरेगी तो प्राइवेट के पास भी टेट पास कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। तो इस वर्ष 30 सितंबर के बाद कंपलसरी करने जा रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो या एडेड, टेट पास टीचर ही प्राइमरी में पढ़ाएंगे। जी तो अब इसके बाद जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है प्राइमरी में, जी प्राइमरी का, तो वो तो प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। तो जो टेट जी पास हैं उनको प्राइमरी में परमानेंट करेगी गवर्नमेंट, और जो टेट पास जी नहीं है उनके लिए रास्ता उन्होंने निकाला है प्री प्राइमरी का, कि उनको ले जाएंगे प्री प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी के लिए टेट अनिवार्य है। जी तो वो लगातार हम बताते रहते हैं। अब चूंकि हम भविष्य की बातें कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ कह दिया आज, अगर हमने कह दिया कि 30 सितंबर तक जो है धैर्य रखिए, तब वो 30 सितंबर आते ही हल्ला करने लगे कि कहे थे अभी तक हाँ, हुआ नहीं। भाई हमें नहीं करना है, करना हाँ गवर्नमेंट और को क्या। है। हम तो एक जानकारी दे रहे हैं कि 30 सितंबर तक ये योजनाएं रखी गई हैं, तो उम्मीद कीजिए कि 30 सितंबर या उसके आसपास होगा ये। जी खैर
तो तरह तरह के लोग हैं, आप जैसे समझदार जैसे कुछ लोग लोग समझ रहे अपने, हैं। हाँ मिलते जुलते रहते हैं, तो यही होता है कि जैसे संविदा समाप्त होगी और शिक्षा में तक मालूम सरकार रखती है कि वहीं से जो है सेवाएं समाप्त कर देगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर सेवा समाप्त करना होता तो इससे बढ़िया मौका फिर कब मिलता कि सुप्रीम हाँ कोर्ट कोर्ट ने से, हाँ रद्द हाँ किया। कोर्ट से, हाँ कोर्ट से अच्छा मौका क्या मिलना हाँ, था। तो वहां जयराम जी कर रहे थे, भैया तुम तो यहाँ से रिजाइन देकर गए थे, वहां से कोर्ट ने रद्द हाँ किया, ये भी जयराम सही है जी सर, रिजाइन दे के तो सभी लोग गए थे। हाँ कह देते भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में से समझो अपना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं सबके प्रति सोच रहे हैं, तभी तो वापस लाए। और फिर जो शिक्षा मित्र पद पर आने के बाद पहले जो मिलता रहा 3-3.5 हज़ार, जो वो मिलना शुरू हुआ, फिर इसका डिमांड हुई तो जहाँ तक इनके हाथ में था बढ़ाने का हाँ हाँ वो बढ़ा भी बढ़ाया। दिए। अब चूंकि संविदा ही समाप्त करना है तो लोग जो मानदेय की बार बार बात करते हैं, तो मानदेय पर वो क्यों विचार करें? मानदेय पर विचार भी नहीं होगा सर, मानदेय पर यदि रहते भी हैं तो क्या मतलब है। वही तो, हर वर्ष जो है जुलाई के आसपास अखबार में यहाँ वहाँ चर्चा आ जाती है कि मानदेय बढ़ेगा बढ़ेगा, और हम कहते हैं कि मानदेय नहीं बढ़ेगा। हाँ अभी जो है 2,500 का बड़ा हंगामा था, कहीं कुछ तो नहीं है। जब मानदेय बढ़ने का अखबार में आता है तो फिर शिक्षा मित्र आकर के यहाँ वहाँ हमें उल्टा सीधा लिखने लगते हैं कि आप तो कह रहे थे ये होगा, यहाँ मानदेय बढ़ने जा रहा है। और फिर हम जब कहते हैं नहीं बढ़ेगा तो भी नाराज होते हैं कि देखो ये विरोध कर रहा है, मानदेय नहीं बढ़ेगा कह रहा है। मतलब कहीं से संतुष्ट होते ही नहीं है, सही बात। धैर्य ये रखते ही पीड़ित नहीं है। बहुत हैं सर जी, पीड़ित बहुत हैं, दोष नहीं है। नहीं वो तो हम मानते हैं, तभी तो देखिए हमारे पास, हाँ हमने बताया ना अभी 3 कॉल आए थे, कल उल्टा सीधा बात कर, लेकिन आज आपने अच्छे से बात किया तो हम आपसे बात कर रहे हैं जी ना। तो जो भी फोन जी करता है, हम भी जानते हैं हर व्यक्ति परेशान है, तभी मेरे पास फोन कर रहा, नहीं तो हमसे क्या मिल रहा है उसे। हाँ और क्या, सही बात। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है, इस वजह से वो जानने का प्रयास कर रहा है कि हमारा भला कब तक हो सकता है, हमारे लिए कुछ कब तक हो सकता है। तो हम भी कोशिश करते हैं अपने तरीके से, जो हमें जानकारी है समझाने का हाँ और प्रयास करते हैं। अब वो क्या। बातें अपने अपने तरीके से हर कोई लेता है, किसी को बहुत खराब लगता है कि देखो ऐसा बोल रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। सही अब वो बात। देखना ही नहीं चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि बस कोई चीज़ अगर जानकारी में आई, सुनने में आया, तो वो तुरंत हो जाए, और ये तुरंत होता नहीं सरकारी काम। नहीं तुरंत नहीं होता, बहुत समय लगता है अगर इसमें। सरकारी काम तुरंत होता तो सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू किया गया, हर 5 किलोमीटर स्कूल खोला गया, तो तभी से अब तक हर स्कूल में 5 टीचर ना दे दिए होते। हाँ दिन दिए होते। लेकिन सरकारी काम है, इतने आसानी से होता नहीं, और बड़े पैमाने पर करना होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। सही बात है। अभी जो है हाँ अगर 1 लाख शिक्षक को रखेंगे तो 1 लाख शिक्षक को 30 हज़ार 40 हज़ार महीना देना, हर महीना वो बजट जोड़ लीजिए कितना आएगा। हाँ बहुत होता। और वो चीज़ ना करके बीएड वाले को, बीटीसी वाले को, शिक्षा मित्र को साइड में करके पहले वो खर्च कहाँ किए, फर्नीचर हो जाए, कमरे हो जाए, हाँ विद्यालय की सुविधाएं बढ़ जाएं। बिजली बिजली हो जाए ताकि पंखे चलें, हर कोई जो है आराम से बैठ सके, शौचालय हो जाए, लड़कियां आ रही हैं, फीमेल टीचर्स आ रही हैं, लड़के तो मान लीजिए इधर उधर भी चले जाते हैं, टीचर्स मेल जो है इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन फीमेल टीचर्स रह रही हैं हाँ स्कूल में सही पूरे बात दिन, है। लड़कियां रह रही हैं पूरे दिन स्कूल में, तो बहुत सारे परिवार इस वजह से भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं कि वहाँ पर जो है बस की हाँ सही समस्या है। बात है। बहुत सारे बच्चे जो है टॉयलेट वगैरह न होने से बीच में निकल के गए बाहर और पता चला भाग गए घर, हाँ घर भाग जाते हैं, वो तो है बच्चों में। तो उसके लिए गवर्नमेंट मिड डे मील क्या क्या योजना चला रही है, उसका कोई लाभ नहीं, कोई बच्चा मिड लाभ डे मील नहीं। खाया, उसके बाद जब मौका मिला भाग गया। हाँ तुरंत लेटरिन के बहाने गया, पेशाब के बहाने गया। अब तो अब स्कूल में ही व्यवस्था रहेगी, कैंपस से बाहर जाने को नहीं मिलेगा, तो वो पूरे दिन रहेगा। सही तो बात अभी है। अभी जो है मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ, गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मांगा 4th ग्रेड जो है कर्मचारियों का, कि कहाँ पर कितने पद हैं और कितने खाली हैं। खास तौर पे स्कूलों की बात की गई, कॉलेज की बात की गई है, वो इसलिए कि चपरासी जो होता है भले सुनने में खराब लगता हो, छोटा पद लगता हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है हाँ होता है वो। एक सुना व्यक्ति अगर गेट पर है तो बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर जाना, ये एक बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो आसानी से जा नहीं पाएंगे, आसानी से क्या वो ऐसे जा ही नहीं पाएंगे, और बाहर से पता चला कि कोई भी व्यक्ति घुस जा रहा है, पता चला कि कोई टीवी चैनल वाला है कैमरा लेकर घुस गया, हाँ देखिए शिक्षा मित्र ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी बुराई शुरू कर दिया। सही बात है सर। भाई आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी की बुराई कीजिए? विभाग बना है, अधिकारी देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे काम कराना है, इनको कौन सी ट्रेनिंग देनी है। अब पता चला कोई भी कैमरा लेकर घुसे जा रहा है कि इनको देखिए पढ़ाने नहीं आता है, ये सहायक अध्यापक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सबकी बुराई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है अगर बुराई की गई
तो सरकारी स्कूल के सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों की शिक्षा कीजिए। मित्र की सर, ये तो की जाती। कारण क्या है? बाउंड्री है नहीं, जिसका हाँ मन करता है जिधर से मन करता है घुस रहा, कोई चपरासी है नहीं रोकने वाला वहां पर, कोई नहीं। तो कैमरा लेकर घुस गया। अब पता चला कि वहां पर जो है, जो शिक्षा मित्र है या सहायक अध्यापक है, जिसको सब कुछ आता है, सब पढ़ा रहा है वो, लेकिन कैमरा है, कैमरा वो फेस कभी किया नहीं है, तो हिस्टेशन होने लगता है, नर्वस होने लगता है, कहीं गलती ना हो जाए, उस गलती में ना हो जाए मैं गलती कर बैठता है, और फिर वही मीडिया वाले दिखा देते हैं। दिखा देते हैं, सही बात। तो वास्तव में इतनी कमी है नहीं जितना बढ़ा चढ़ा करके मीडिया वाले दिखा देते हैं। जी अगर इतनी ज़्यादा कमी होती तो ठीक है, सहायक अध्यापक को छोड़ दिया जाए, तो शिक्षा जी मित्र इतने सालों से लगे हुए हैं उन्हीं विद्यालयों से पढ़ पढ़ के, जहाँ शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं, उन्हीं जी विद्यालयों से निकल करके बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे सन जगहों पर गए हैं, गए हैं सर, सही लेकिन बात। मीडिया वाले, तरह तरह के लोग ये नहीं समझेंगे कि हर कोई एक जैसा समान नहीं है। एक को अगर उन्होंने पा लिया गलत, अब पता चला कि सबको उसी में रगड़ दिया कि भैया पूरा शिक्षा में संगठन ही ऐसा है, सारे जी शिक्षक ऐसे हैं। अरे एक व्यक्ति अगर कोई हो सकता है वो SST का हो, हिंदी का टीचर हो, उसको वहाँ इंग्लिश जी मिला हो, उस दिन पढ़ाने को इंग्लिश पढ़ा रहा हो, आप अचानक से पहुँच गए हो, अब वो जी है तो हिंदी का टीचर, SST का टीचर है या अन्य सब्जेक्ट का सर है, और आप जी इंग्लिश के सवाल उससे करने लगे, और जी आपने जो है बिना मतलब का बदनाम कर दिया सारे शिक्षा मित्रों को या सहायक अध्यापक को, तो जी तरह तरह की चीजें हैं, लोग सर, एक चीज समझते की नहीं। जानकारी मैं और लेना चाहता था आपसे कि जैसे सर ये प्री प्राइमरी चलाएंगे तो क्या इन्हीं प्राथमिकों के अंदर ही इसको कर देंगे? जी आप देख रहे हैं कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बन हाँ, भी चुके हैं, बन चुके हैं, बहुत हैं, कंपोजिट अपना भी है। तो उसके कारण क्या है बनाए जाने का, कि जो है वहाँ पर प्रिंसिपल देना है, उप प्रिंसिपल देना है, लाइब्रेरियन देना है, UDC देना है, LDC देना है, चपरासी देना है, ये जो कर्मचारी हैं, अगर प्राइमरी को दिया जाए एक एक, जूनियर को दिया जाए एक एक, उधर प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है उसमें दिया जाए एक एक, तो फालतू खर्चा होगा। हाँ फालतू होगा, सही बात। जैसे एक आम व्यक्ति जो है अपने घर का खर्च चलाता है और फिजूल खर्च को बचाना चाहता है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जहाँ पर प्राइमरी जूनियर और ये आंगनबाड़ी आसपास हैं उनको कंपोजिट कर दे रही है एक में, तो कंपोजिट हो गए, तो अब क्या है कि मान लीजिए सारे टीचर हैं वहाँ पर, कोई टीचर छुट्टी पर है किसी कारण से, तो प्राइमरी का टीचर जूनियर में चला गया, जूनियर का टीचर प्राइमरी चला गया, एक तो ये सहूलियत हो जाएगी उस दिन, दूसरा वहाँ पर अब एक ही प्रिंसिपल पूरा स्कूल मैनेज कर सकता है, सबको देख सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो इसीलिए कंपोजिट किया जा रहा है ताकि जो है इनको मैनेज करना आसान हो जाए, और वहाँ पर चपरासी लाइब्रेरी में वगैरह दे सकते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं काफी है। तो प्री प्राइमरी भी जो है अभी बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक ही कैंपस में चलेगा, प्री प्राइमरी फिर प्राइमरी फिर जूनियर, बच्चे वहीं पर पढ़े, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा स्कूल में आए, इंटर तक की पढ़ाई करके वहां से निकले, ऐसा ना हो कि इंटर तक की पढ़ाई में उसे कहीं दिक्कत आए, हाँ वो तो क्योंकि सर है। क्योंकि पहले RTE Act 8 तक था, अब RTE Act को 1 से 8 तक जो था उसको प्री प्राइमरी से इंटर तक कर दिया गया, कस्तूरबा जो 6 से 8 तक चलता रहा उसको इंटर तक कर दिया गया, इसीलिए किया गया है क्योंकि अब जो RTE Act का दायरा था उसको बढ़ा दिया गया है, एक से पहले तक की कक्षाएं भी शामिल कर ली गई हैं और 8 के आगे की भी, यानी इंटर तक की, तो स्कूलों को इस तरह से अब डेवलप करेंगे कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ने आए तो गवर्नमेंट स्कूल में उसको शुरू से लेकर के कम से कम इंटर तक की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध रहे। अब इसी में बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है ये कर, भैया प्राइवेट कर रही है कहाँ से कह रहे हो, जो गवर्नमेंट तो यहाँ पढ़ा रही है, इंटर तक RTE Act लागू कर दी, और क्या, प्राइवेट कहाँ से हो जाएगा? पता नहीं कहाँ से लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं ऐसा वैसा, प्राइवेट तो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, प्राइवेट हाँ करना चल कहाँ है, रहा, तो प्राइवेट करने की जरूरत कहाँ है, प्राइवेट करना कहाँ है, प्राइवेट को हाँ जो तो, स्वयं स्वयं के चल रहे हैं उनके। और ये आज से नहीं चल रहे हैं, न जाने कितने सालों से चल रहे हैं, 20 25 50 साल से चल रहे होंगे प्राइवेट सारे स्कूल, हाँ और क्या, तो लोग जो है भ्रमित रहते हैं, कोई भी कुछ भी कहीं लिख देता है उसी के बाद सच मान लेते हैं नेगेटिव चीजों को, तो आपका कंपोजिट अभी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, अभी तो सर 1 से 8 तक है ना सर। 1 से 8 तक है कंपोजिट में। हाँ कैंपस, पीएम श्री भी हो गया है सर, पीएम श्री में भी इसका नाम आ गया है। अच्छा PM3 में आ गया है, जी तब तो PM3 तो वाले में तो बहुत तेजी से बदलाव कर रहे हैं। हाँ, तो एक ही विद्यालय जिले में एक ही हुआ है चित्रकूट में ये। हाँ, तो ये PM3 के अंतर्गत जो है काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, मॉडल एकदम स्कूल हाँ बना करके
मॉडर्न डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ देंगे उसमें, स्मार्ट बोर्ड। हाँ मतलब अभी बजट जो है उस दिन जब घोषणा हुई है 29 को आशायद था ना प्रधानमंत्री जी का। हाँ, हाँ उस दिन जो है इस बजट तो आमंत्रण किए हैं पीएम श्री के लिए उन्होंने। अभी लगातार न्यूज में भी आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले आया था। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, चूंकि इतना बड़ा देश है और हर राज्य में जो है लाखों की संख्या में स्कूल खोला गया है, और क्या सर। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी या एक दो राज्य को ही देखना है, सबको पैसा देना है, सबको जो है सुधार करना है, कर रही है। 30 सितंबर हाँ तक धैर्य रखना है लोग जो है। ऊपर से ये आ गया बीएड वाला मैटर, तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी कुछ चीजें जो है थोड़ा समय ले सकती हैं, लेकिन सब होगा वैसे ही जैसे होना था, जो प्लानिंग है। मेन ये है सर कि इतने दिनों से लगे हुए हैं शिक्षा में तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट लाभ देगी बिल्कुल देगी। अभी एमपी का उदाहरण देख लीजिए, एमपी में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको वहाँ पर जो भी 5 वर्ष या 5 वर्ष से ज़्यादा कार्य कर चुके हैं उनको 50% रिजर्वेशन दे दी भर्ती में। हाँ वो तो दे दिया है सर, अगर हुए भी बहुत हैं अभी। हो रहे हैं वहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अगर 10,000 भर्ती निकली है तो 5,000 जो है उनको परमानेंट करेंगे। हाँ कर रहे हैं वो तो, चल रहा है हमारे बगले में है रिक्टन है हम लोग, वो तो चल रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि अब बताइए जब भर्ती निकली 10,000, उसमें से 5,000 जो है अतिथि शिक्षक को सीट दिए, अब 5,000 अन्य हाँ को दिए, तो अन्य जो है अब 5,000 का विरोध करेंगे क्या? नहीं करते वो लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको वहां भी सर, मौका क्या मिलना है है। आप वहां सर क्या है आपको बताऊं, वहां कोई कोर्ट कचहरी जाता ही नहीं है एमपी में। तो कोर्ट कचहरी से हासिल कहाँ किसी को कुछ होता है? हाँ वो अभी नहीं जाते वहां। अभी राजस्थान का मैटर था, वो देवेश मिश्रा है शायद नाम जिन्होंने मैटर ये डाला था, और वो गए सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है भाई, कोर्ट सबके लिए है, सबको, लेकिन हासिल क्या हुआ? उनको मौका मिला? नहीं मिला। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी और जो नियम कानून है उसके तहत जब काम होगा तो ऑटोमेटिक बिना कहे सबको सब कुछ मिल जाएगा। गवर्नमेंट का सर काम लोगों पहले को। क्या है कि मैं एमपी में था, अच्छा। क्योंकि एमपी में मेरा निवास भी था पहले, हो भी गया था इसी में संविदा में, अच्छा। तो मैंने जो है सर किया हूँ 4 साल मैंने किया है बीच में, अच्छा और फिर जो है अवैतनिक था मेरा, और था क्या कि अपने घर में प्रधानी बीती 10 साल तक, तो अच्छा किसी तरह से हमारा चल भी गया। चलने के बाद इधर ये हुआ कि अब समायोजन होगा, तो समायोजन में अपने पूर्व विद्यालय में फिर से ज्वाइन किया, यहीं अपना रहने लगे, फिर हो भी गया। अच्छा इसके चक्कर में नहीं वहां सर 2.5 साल के बाद अपने आप रेगुलर हो जाते हैं, 2.5 साल जहाँ पूरा हुआ संविदा, हाँ तो वो अपने आप रेगुलर कर देते हैं। तो व्यवस्था है बनी हुई, इस तरह की चीजें बनी हैं संविदा कर्मियों के लिए, लेकिन यहाँ की जो सरकारें रही हैं यूपी में तो उन लोगों ने इतना उल्टा सीधा जो है, ठीक है समायोजन आप भी कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन नियमता करना चाहिए था ना, ताकि कोई विरोध ना होने पाए, कोई कोर्ट मैटर ना बनने पाए, इलीगल कोई काम ना होने पाए, नियम कानून को ध्यान रखकर दायरे में करना चाहिए था। खैर जो भी हुआ है पहले, अब उनमें सुधार हो रहा है, विद्यालयों में व्यवस्था सब दे ही चुकी है गवर्नमेंट, हाँ व्यवस्था तो सब है, व्यवस्था में कमजोरी नहीं है। तो अब जो है बस यही 30 सितंबर तक धैर्य रखना है, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। घोषणा का इंतजार है बस केंद्र सरकार जो है ये हर कक्षा में शिक्षक योजना की घोषणा जिस दिन कर देगी। हाँ होना तो सर केंद्र सरकार से, क्योंकि राज्य का इसका रोल है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। राज्य का रोल नहीं है भाई, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ चीज़ें राज्य सरकार के हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में, यही समझना है। हाँ अब कोई चीज़ केंद्र सरकार को करना है और हम जाएं बार बार उसके लिए राज्य सरकार के पास, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। जी तो कुछ लोग जो है बार बार गवर्नमेंट के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, भाई वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जब प्लानिंग जैसे बनी हुई है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। जी जैसे अभी जो है बीएड वाला मैटर है, उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं 69,000 वाले, वो दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ। हाँ दौड़ तो रहे हैं इधर तो उधर। अभी कल उनका हम पोस्ट पढ़ रहे थे जो गए थे मिलने, तो उन्होंने लिखा है कि जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि जो है, अब नाम नहीं याद आ रहा वो किससे मिले थे, तो उन्होंने जी बताया जो भी अधिकारी थे कि भैया ये विषय तो हमारे संज्ञान में है, ये मैटर केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार से जैसा निर्देश होगा हम उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। हाँ और क्या। तो ये तो अंडरस्टूड है, आप गए वहां पर वो भी वही कहे, उसके बावजूद वो नीचे पोस्ट में लिख रहे हैं हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम प्रयास, भैया तुम कौन सा प्रयास कर रहे हो? तुम गए, तुमको यही तो बताया गया कि केंद्र सरकार को करना है, जब केंद्र सरकार को करना है तो तुम्हारा कौन सा प्रयास है उसमें? तो हम एनसीटी के पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, नेतागिरी खाई चल रही है। मतलब गवर्नमेंट ने भर्ती किया, गवर्नमेंट ने तुमको उस वक्त मौका दिया,
और तुम जाके गवर्नमेंट को बताओगे कि भैया ये काम तुमको करना है। ऐसा थोड़ी होता है। खैर, तो तरह तरह के लोग हैं। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितना विस्तार दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र को, अभी कुछ सालों के अंदर इतना तेजी से बदलाव हो रहा है और होगा। लोग अभी समझ नहीं होगा। पा रहे हैं कि अभी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च कर रही थी गवर्नमेंट, जब स्कूल में न व्यवस्था रहेगी न कुछ रहेगा, टीचर भर के क्या कर लेंगे वो कुछ ना कर पाएंगे और क्या। पढ़ाने के लिए, ये पता चला चौक नहीं है, बोर्ड खराब है, डस्टर नहीं है, अब पढ़ाई कैसे। तो उस उन चीजों पर खर्च कर रहे थे ना। अब बैठने के लिए बच्चे कहाँ से बैठेंगे, उनको गर्मी होगी तो भाग जाएंगे कि बैठेंगे, पंखा ही नहीं चल रहा, टीचर। और क्या, अभी है कि चूंकि ये देहात है, जैसे लाइट गोल हो जाती तो बड़ी हुमस लगती है कमरों में, ना बच्चे बैठ पाते ना टीचर खड़े हो पाते। हाँ तो आप देखिए, पहले की तुलना में उम्मीद कर रहे हैं बिजली भी कुछ ना कुछ थोड़ा सुधार हुआ होगा। अभी गर्मी है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दिक्कत कटौती हो रही है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले जिस तरह से बिजली आती थी और अब परिवर्तन हुआ है थोड़ा। हाँ कुछ तो रहती है मान लो, पर देहातों में कुछ कटौती तो कर ही देते हैं। तो कटौती जो हो रही है उसका कारण है कि जो रिक्वायरमेंट है और जो उत्पादन हो रहा है उसके वजह से अभी गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है। तो भाई शहर वाले हैं, एसी चला रहे हैं, वहाँ उद्योग धंधे हैं, हाँ सही बात है। तो वहाँ पर बिजली ज्यादा खर्च है। तो उद्योग धंधों को वहाँ से इनकम होना है, कमाई होना है, तो उनको तो बिजली देना ही देना है, तो देना ही देना। उनको तो 24 घंटा उपलब्ध कराते हैं। हाँ यहाँ देहातों से लाभ क्या है गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सा यहाँ पर कटौती कर ले रही है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में सुधार किए हैं हाँ और पहले की लगातार तुलना में जारी तो है। है, काफी है, पहले की तुलना से काफी है। तो बस यही चीज है कि जैसे आप हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों को समझना नहीं चाह रहे, बस उनको एक ही चीज है, भाई हमारा काम नहीं चल रहा है, 10,000 में हम परेशान हैं, तो बस इसलिए वो नेगेटिव हो जा रहे हैं। खैर, हाँ सही बात है। तो सब सुधर गया है। बिजली कनेक्शन स्कूलों में नहीं थे, बिजली कनेक्शन तो हो गए, जितने देर लाइट आएगी उतने देर तो पंखा चलेगा ही। और क्या, जब तक रहेगी तब तक चलता है। तो बिजली कनेक्शन हो गए स्कूलों में, पानी के लिए आरओ वगैरह लगने लग गए। आपके यहाँ क्या आरओ लगा है या कैसा? नहीं हमारे यहाँ सर आरो नहीं लगा है, केवल बोर है। अच्छा हाँ बोर करा दिए हैं, हैंडपंप भी है, बोर भी है, दोनों सुविधाएं। अच्छा चलिए, कम से कम पानी मिल तो रहा है। हाँ पर्याप्त पानी पर्याप्त मिल रहा है। बहुत सारे जो है शिक्षा मित्र या टीचर से हमारी बात हुई है, तो कुछ जगहों पर आरओ की व्यवस्था भी कर दी गई है। हाँ नहीं सर कुछ विद्यालयों में अपने यहाँ भी है, लेकिन है वो ब्लॉक के आसपास, जो ब्लॉक स्तर के आसपास है, अच्छा, अभी ग्रामीणों में नहीं आई अपनी तरफ। तो धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए कैटेगरी बना रखा है इन्होंने कि कहाँ पर किस तरह की चीजें करनी है, क्योंकि सबको एक समान नहीं तोला जा सकता ना, नापा जा हाँ नहीं सकता, तोला जा सकता, सही बात है सर। अलग अलग कंडीशन है हर जगह। तो जैसी जहाँ जो पहली जरूरत जो है, मुख्य जरूरत है, उसको ध्यान में रखकर वहां पर उस तरह की चीजें कर रहे हैं धीरे धीरे। जी तो सब हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना है बस। जो भी टेट पास हैं वो हो जाएंगे प्राइमरी में, और नॉन टेट वालों के लिए भी वही प्री प्राइमरी में हो जाएंगे, जहाँ 10,000 हाँ तो आके पास सर हैं क्या ये अभी। इसकी सुविधाएं एक साथ बनाएंगे कि अलग अलग करके इनको भी रखे जाएंगे, कि सब जैसे पहले टेट का हुआ, फिर टेट के बाद प्री प्राइमरी को बनाएंगे। देखिए, हमारे जो जानकारी में है सब एक साथ होना है। हाँ करना तो एक साथ चाहिए। क्योंकि जब टेट कंपलसरी करेंगे और फिर उसको पूर्णतः लागू करके सीटों को भरेंगे, तो टेट वालों को यहाँ परमानेंट कर देंगे, लेकिन हाँ उसी भाई वक्त। है क्या कि जैसे शिक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में जब प्री प्राइमरी में मान लो जो टेट पास हैं तो वो निकल ही जाएंगे, इसके बाद जो प्री प्राइमरी के लिए बचेंगे उसमें भी शिक्षा मित्र कम ही बचेंगे सर, प्री प्राइमरी के लिए कम ही हैं। अरे हमें लग रहा है 80-90 हज़ार शिक्षा मित्र टेट पास कर लिए हैं, अभी 20 तारीख को सी हाँ टेट हुआ है। अरे ज्यादा से ज्यादा 30-35-40 के समथिंग होंगे नॉन टेट। हाँ, नॉन टेट इतने ही हैं, वो भी टेट पास हमें लगता है अभी सी टेट हुआ है, उस हाँ बार सी काफी टेट में निकलेंगे इस काफी बार निकाल भी। लेंगे। हाँ काफी निकलेंगे इस बार तो भी। इसीलिए गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा भैया दो मौके दीजिए, लेकिन तब से अब तक गवर्नमेंट ने 4 बार यूपी टेट करा दिया और हाँ करा ये दिया। सी टेट 9वीं बार हो रहा है। तो मैक्सिमम जो शिक्षा मित्र वो टेट सी टेट जो है पास हैं, जब ये जैसे ही घोषणा होगा तो उसके बाद जो है बहुत कम ऐसे होंगे जो टेट वगैरह नहीं पास होंगे, नहीं तो सारे के सारे ऐसा भी टेट हो सकता पास। है कि सर चाहे गवर्नमेंट यदि कि शिक्षा मित्रों को रखना है, ये करना है, तो उनको शायद कोई विभागीय और कोई ऑप्शन दे दे। नहीं, उनके लिए व्यवस्था वो प्री प्राइमरी वाला ही किए हैं। हाँ मतलब उनकी तरफ से यही है, निकलते जाएं शायद आगे कोई ऑप्शन दिए रहे कि जो पास होते जाएंगे उनको रख लिया जाएगा। हाँ, प्री प्राइमरी में जब हो जाएंगे
हाँ जब वो टेट थ्री टेट पास कर लेंगे तो फिर आगे उनके लिए प्राइमरी का हाँ रास्ता इनका खुल जाएगा। वेतनमान लागू कर देंगे कि भाई 30 से 35 हज़ार रुपया तो कम से कम देने चाहिए। हाँ हाँ प्री प्राइमरी में जब चूंकि संविदा पर रहेंगे नहीं, वहाँ भी परमानेंट टीचर रखना है, तो परमानेंट के लिए आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे वाले पद को थोड़ा सा कम मिलता है, हाँ थोड़ा सा डाउन तो रहता है वो। जूनियर में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो हाँ कम प्राइम है। प्राइमरी की तुलना में प्री प्राइमरी में थोड़ा सा कम रहेगा, 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, जो भी अंतर रहे। तो हाँ। अगर यहाँ 40-45 मिल रहा है तो वहाँ 30-35 मिलेगा। 30-35 मिलेगा, सही बात। तो सबके लिए गवर्नमेंट सोच रही, लेकिन कोई जल्दबाजी चाहेगा कि बस तो हमारे लिए आज ही हो जाए, ये हाँ नहीं। अभी जो है 23 है 24 का चुनाव है, शायद इसी के पहले कोई घोषणा कर दे। सब सब उसी से पहले की प्लानिंग है, 24 से पहले हाँ की। हाँ 24 के पहले तो बस ये करेंगे ही थोड़ा कोई। सा ये जो बीएड वाला है, ये इसके लिए जो भी करना है अब इसके वजह से थोड़ा क्योंकि और। बीएड है भी बहुत सरना, बीएड है भी, इनके खिलाफ भी तो सरकार नहीं जा सकती, इनकी संख्या भी तो बहुत है। बिल्कुल, पूरे भारत में बहुत बड़ी संख्या इस वक्त जो है बीएड वालों की है, हाँ है ना, 80% करीब बीएड वाले हैं, 20% अन्य कोर्स वाले हैं। अन्य कोर्स वाले हैं यही तो, इनके खिलाफ भी तो शासन नहीं जा सकता। चलिए, आप सारी चीज़ें हाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, जी। कोशिश कीजिए क्या। और जो आपके अन्य शिक्षा मित्र हैं, जो साथी, वो परेशान हैं, जो नहीं समझ पा नहीं रहे हैं। समझाते हैं, जो मिलते हैं देखते हैं, जैसे आपका सब देखा सुना तो बताते हैं लोगों को कि सब इतने दिन रुके हो तो और साल 6 महीने की बात है। थोड़ा सा और धैर्य रख लें बस, क्योंकि साल 6 महीने की बात और है। ये जो ग्रुप बना रखे हैं, जो नेता लोग, वो ये नेता लोग अपनी नेता नगरी चलाने के कारण जो है, नेताओं में तो सर कुछ है भी नहीं, नेता तो किसी काम के है ही नहीं। अब वही जो है उल्टा सीधा नेगेटिव लिखते हैं। हाँ उनकी नेगेटिव लिखेंगे, कहेंगे इससे मिले उससे मिले, कोई मतलब नहीं होता। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक आप चाहे सर पटक दो, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलना। बिल्कुल, प्रयास करना काम है लोगों का, प्रयास करें। प्रयास ठीक है, लेकिन बिना मतलब का, जिसका रिजल्ट ही नहीं मिलना है, हाँ अभी जो है कोई भड़का देगा सरकार कुछ नहीं कर रही है, अगस्त का महीना है, चलो 25 अगस्त को आ जाओ दिल्ली, बनारस, हाँ सुन तो रहे लखनऊ हैं आ कि जाओ। इसमें नहीं, सुन तो रहे हैं कि जो है 5 सितंबर से अनवरत प्रदर्शन चलेगा। तो अब ये बताइए, आज तक उसी प्रदर्शन से कुछ हासिल हुआ? सर मैं बता दूं कि मेरी जो है 22-23 साल हो गया मुझको, मैं आज तक ब्लॉक के भी धरने में नहीं गया, अपनी मतलब चॉइस बता रहा हूं। पहले भी मेरी एक ये है कि कई लोगों ने, मेरे साथी सभी लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं, तो एक आध बार जिले तक जरूर गया हूं घूमने फिरने के उद्देश्य से, अने मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं तो सिर्फ भरोसा उसी पर करता हूं कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं। खुद सोचना चाहिए कि ये जो शिक्षा मित्र योजना है, क्या किसी ने धरना किया था इसके लिए, शुरू करने के लिए? हाँ नहीं, ना कोई नहीं गवर्नमेंट किया, काहे कोई करेगा, की जब जरूरत हुई, गवर्नमेंट है ने तो निकाला था वैकेंसियां। उनको जरूरत हुई महसूस, उनको लगा ये चीज करना चाहिए तो उन्होंने किया। हाँ आवाज भी अभी आपको रखें तो है उसी तरह। 69 हज़ार भर्ती के लिए कोई धरना किया गया था कि भैया भर्ती लाओ? नहीं, कुछ गवर्नमेंट नहीं, जब तक गवर्नमेंट वो करना था नहीं वो। होना तो कुछ भी नहीं। अब कुछ होता है सरकारों में, ये सरकार देखिए है सक्षम, इनको किसी के धरने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, कहीं नहीं झुकते हैं ये, चूंकि जो नेता वेता बने हैं तो उनकी जो है नेतागिरी और उनका जेब खर्च सब इसी से चल रहा है, सब इसी से चल रहा है तो इसलिए वो समय समय भड़काते रहते हैं ताकि उनकी नेतागिरी खत्म ना सर। हो ये जो जाए। समायोजन रद्द हुआ, मान लीजिए खामियां तो थी, हाँ लेकिन जितना इन्हों लोगों ने चंदा वसूल किया था, जितना तगड़ा, सबके पास पैसा था, पर्याप्त पैसा शिक्षा मित्र देते थे, ये चाहते तो कोर्ट को मूंद देते पैसे से, लेकिन नेताओं ने ऐसा नहीं किया, उनकी बाजार बंद हो जाती। ये लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना भला करने, और ये ऐसा शिक्षा मित्र संगठन में ही नहीं है, हर संगठन में हम तो हम सबकी हम बात तो यही करते हैं। समझे कि जितना सब कुछ था तो पैसे में सर क्या नहीं हो सकता था। देखिए, लेकिन अगर अगर ये बात ना आती कि भैया हम गोमती में कूद जाएंगे, उस वक्त हाँ इन्होंने जो है बैठ कर समझा होता, बातचीत किया होता, अरे उस सरकार में भी विभागीय टीटी के लिए कहा जाता था बार बार, तो वही तो तैयार नहीं हुए। अगर तैयार तो हो ये गए तैयार होते नहीं तो हुए। तैयार हो गए होते तो सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक होती, सिस्टम से होती, तो आज ये हाँ दिन ना हुआ होता देखने को। हाँ सही बात है, तो जानबूझ के सब ऐसा हुआ है। चलिए, जो पीछे बीत चलिए गया सर। अब आगे की ओर देखा जाए। हाँ सर।
चलिए, ठीक है सर, बहुत हाँ काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार।